महानगर में किसी भी प्रकार के जलजमाव की स्थिति से निपटने के लिए नगर निगम द्वारा विशेष नाला सफाई अभियान चलाया जा रहा है। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान को ध्यान में रखकर चलाए जा रहे अभियान के संबंध में महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया कि नगर निगम शहर के सभी छोटे बड़े नालों की सफाई व्यवस्था में लगा हुआ है। साथ ही वाटर लॉगिंग यानी जल जमाव वाले क्षेत्रों में पंपिंग सेट लगाकर पानी निकलवाने की व्यवस्था किया जा रहा है। इसी के साथ महापौर सीताराम जायसवाल ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि जिन लोगों ने नगर निगम के नालों पर कब्जा कर रखा है या अवैध निर्माण कर रखा है, उनसे निवेदन है कि वो सफाई अभियान में सहयोग करें, जिससे महानगर को जल जमाव मुक्त बनाया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा कि नाले सफाई का शेड्यूल पूरे शहर का जारी हो गया है, उसके लिए जिला प्रशासन के भी कुछ अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और वो सामने एक हफ्ते के अंदर सब सामने आ जाएगा और हमारी पूरी टीम पूरी ताकत और शक्ति से इसको काम को कर रही है। मैं यहाँ के नागरिकों से अपील करूँगा कि जो भी नाली पर अवरोध उन लोगों द्वारा उत्पन्न किया गया है उसे स्वेच्छा से हटा लें, जिससे कि हम बेहतर से बेहतर व्यवस्था दे सकें, शहर में जल जलमग्न न हो, समय से इसकी निकासी हो जाए। यही हमारी सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा नगर निगम का सहयोग करें, हम इस पर सबको वाटर लॉक से मुक्त करा कर शहर को देंगे। शहर में कई मोहल्लों में पानी लग जा रहा है अभी हल्की बारिश में, उसके लिए क्या करें? शहर में कई हिस्सों में पानी लग जा रहा है अभी हल्की बारिश। देखिए, शहर की स्थिति बहुत कुछ सुधरी है, पहले 12-12 घंटा 14-14 घंटा पानी निकलता था और 18 घंटा बारिश होगी तो निचले इलाके में कुछ देर के लिए पानी निकलेगा और जहाँ निचला इलाका है वहाँ पर हमारे पंप लगे हुए हैं और सभी पंप हमारे लगभग काम कर रहे हैं, ये समस्या इस बात नहीं आएगी।